ऐसे ही अपनी जिंदगी चलती है। कभी यूट्यूब, एक मेरा कॉमेडी कुकीज का ऐसे ही चैनल है, तो जब कभी यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो व्यूअर्स देखा जाता है कि आपके फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, तो उसमें पहले ही बताएगा मेल व्यूअर्स 97.5%, फीमेल व्यूअर्स 2.5%। समझ गया भैया, लड़की जिंदगी में मिलने उलने तो है नहीं, बाकी चलता रहता है, जिंदगी है। आप सब तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे कितने कंवारे लोग हैं, हजरा हमें हाथ उठा के दिखाया। नहीं नहीं बहुत, देखिए कुछ लोगों ने खड़े भी किए और इतने कॉन्फिडेंस से खड़े किए जैसे आज हमें दिख ही जाएगा। और इतने सारे कंवारे लोगों की आवाज, कुछ लोगों की आवाज से पता चल जाता है ये कंवारा है, और यहाँ इतने सारे कंवारे लोग बैठे तब हमें लगता है कि शायद इसीलिए अटल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन आप लोगों के टीचर्स की दाद देनी पड़ेगी, इनकी अच्छी बात यह कि शादीशुदा होने के बावजूद भी हंसते हैं, वरना शादीशुदा आदमी हंसता हुआ बिल्कुल कम ही दिखाई देता है, और मुझे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। खैर, शादीशुदा आदमी का क्या हाल होता है ये जानने के बावजूद भी हम शादी के लिए बड़े उत्सुक थे। हमने, घर वालों ने हमारे लिए लड़की पसंद की, हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। घर वाले बोले बेटा टॉर्च में बल्ब है नहीं, और तिजोरी देखने जाओगे। तो हमने भी कह दिया अजी बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा होल्डर का लगा। और वैसे भी लड़की देखने के लिए नेत्र नहीं, नियत चाहिए। तो खैर हम पहुंच गए लड़की देखने, मेकअप टचअप करा के, 300 रुपए का मसाज। जैसे ही लड़की चाय लेके आई हमने फेंकना शुरू किया, आहा दीपिका जैसी चाल है, बिपाशा जैसी कमर है, ऐश्वर्या जैसी नजर है, ये लड़की नहीं बिल्कुल चलता फिरता सिनेमा है। हमारा ससुरा भड़क गया, बोला बेटा तुमको ज्यादा नहीं देख रहा हूं, जिसे तुम नए जमाने की सिनेमा कह रहे हो वो पुरानी टीवी है, और जिसे तुम अपनी होने वाली समझ रहे हो वो हमारी बीवी है। हमने कहा अच्छा ससुर जी, पर हमने तो सुना था कि लड़की चाय लेके आती है। बोला नहीं अब वो जमाने गए, अब लड़की कंप्यूटर की डिग्री लेके आती है, नौकरी लेके आती है, और पति ज्यादा शाणा बनने की कोशिश करे तो ससुराल से मोटा तगड़ा बेलन भी ले आती है। हमने कहा अच्छा लड़कियां इतनी आगे निकल गई हैं, लड़कियों ने तो हमारा भ्रम तोड़ दिया। तब हमें समझ में आया कि देश भ्रम तोड़ने से आगे बढ़ता है, मूर्तियां तोड़ने से नहीं। खैर नहीं नहीं भ्रम वही है, देखिए क्या है कि देश का, किसानों का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि किसान अनाज पैदा करने में लगे हैं, कृषि मंत्री भ्रम पैदा करने में लगे हैं। तो खैर हमने उन लोगों को फील नहीं होने दिया कि हमारे दोनों बल फ्यूल हैं, हमने तुरंत बाई तरफ मुड़ के बोलना शुरू किया, आप कितनी सुंदर हैं, सुशील हैं। हमारा ससुरा फिर बोला बेटा इधर लड़की के ताऊ बैठे हैं। हमने कहा यार ये दुल्हन का दिखावा चल रहा है, पंचायत का फैसला जो ताऊ को बैठा रखा है। खैर तभी वो तोंदू ताऊ बोलना शुरू किया, बेटा हम लड़की दिखाएंगे, उससे पहले हमारी 3 शर्तें हैं। चलो भैया दुल्हन का मामला है बताओ, हम नवाब होते तो हम ऐसे ही ले जाते लड़की। तो खैर हमने कहा चलिए शर्त बताइए, कहा हमारी पहली शर्त यह है कि तुम किसी भी पराई औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखोगे। हमने कहा ताऊ कसम खुदा की
हम पराई क्या, कभी अपनी औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखे। आगे बताओ। बोला दूसरी शर्त ये है कि तुम हर परिस्थिति में हमारे लड़की का हाथ थाम के चलोगे। हमने कहा हमें गिरना थोड़ी है, हम हर परिस्थिति में आपके लड़की का हाथ थाम के चलेंगे। आगे बताओ। बोला हमारी तीसरी शर्त ये है कि तुम हमारे लड़की से अंधा प्यार करोगे। हमने कहा ताऊ आपकी क्या, आपके पूरे खानदान की कसम, हम आपके पूरे खानदान से अंधा प्यार करेंगे। इतने में लाइट चली गई। हमने कहा सास ससुरों अब खेलो आंख भी चोरी। अब मामला हुआ है बराबर का। आमतौर पर लोग फायदा उठाने के लिए अंधेरा कर देते हैं, लेकिन हमने अंधेरे का फायदा उठाया। कोई गलत तो नहीं किया ना। हमने लड़की का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गए। हमने कहा आओ आंखें दो करते हैं। बोली क्यों जी, आंखें तो चार होती हैं। हमने कहा नहीं वो हमारी नहीं है ना। बोली क्या, फिर तो आंखें दो भी नहीं हो सकती। हमने पूछा क्यों, बोली जी वो हमारी भी नहीं है ना। और ऑडियंस की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सारा प्यार दिया, और बड़े कलाकार सदरी वाले और अमनदीप जी को सुनने का मुझे मौका दिया प्रत्यक्ष रूप से। तो शायद ये मेरे लाइफ के ग्रेट मोमेंट्स में से एक है। हर मंच मंच होता है, हर कलाकार टंच होता है। सबको आप लोग इसी दिलेरी और दिलचस्पी से सुनिए। आप सबको एक बार फिर से प्रणाम।